नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में जो बातें हैं बहुत गर्म हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है और मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, समझते हैं। अभी कुछ समय पहले ज़ीरोधा के जो कोफाउंडर हैं नितिन कामत, उनके उन्होंने ट्वीट किया था कि उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उनके ओवरऑल नंबर ऑफ क्लाइंट्स में 70% से भी ज़्यादा ऐसे नए इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं जो कि पिछले 18 महीने में ही मार्केट में आए हैं। और आप देख सकते हैं पिछले 18 महीने, जब मार्च 2020 में मार्केट में लोअस्ट रेट लगा था, तब से लेके अभी तक मार्केट ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और इस ज़बरदस्त रिटर्न के पीरियड में बहुत सारे नए लोग, नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं। उन नए इन्वेस्टर ने खूब सारा पैसा भी कमाया है। हो सकता है आप में से कई लोगों का पोर्टफोलियो 100% अप होगा, किसी का 300%, किसी का 50%, किसी का 70% पोर्टफोलियो अप होगा मार्च 2020 के लेवल से। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि अगर आपने 100% रिटर्न कमाया है तो भी आपने कोई ज़्यादा तीर नहीं मार दिया, तो दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं होगी। रीज़न मीन कि मार्च 2020 से अभी तक देखें तो मार्केट ने इट्सेल्फ ही 100% गेन किया है। तो एज ए इन्वेस्टर हमने क्या उसमें एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है, जैसे कि हम मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं हमने क्या एडिशनल अल्फा जनरेट किया है मार्केट के रिटर्न से ऊपर, राइट। दोस्तों इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के चलते ही दो विचारधारा निकल कर आती हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेज पैसिव इन्वेस्टिंग। दोस्तों पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग को समझते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग का दोस्तों मतलब है जहां आप और हम जैसे लोग एक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाए, कौन सी कंपनी के शेयर्स को बेचा जाए, किस क्वांटिटी में खरीदा जाए, कब खरीदा जाए और किस रीजंस की वजह से खरीदा जाए। जब भी हम ये सब डिसीजन लेते हैं तो इस डिसीजन को कहा जाता है दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां कोई भी डिसीजन मेकर, चाहे हम हो, चाहे कोई फंड मैनेजर हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड वाला हो, या चाहे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, जब वो इस तरह का डिसीजन लेता है तो उसे कहा जाता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। और दोस्तों जब एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है पहले वो समझते हैं। दोस्तों जब भी आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। आप ब्रोकरेज फीस देंगे, ब्रोकर का चार्ज देंगे, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देंगे, स्टैम्प ड्यूटी देंगे एंड व्हाट नॉट, बहुत अलग अलग तरह के खर्चे उसमें देखने को मिलते हैं। और आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि हमारी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर हैं जो एक बेंचमार्क, जो उन्होंने बेंचमार्क डिसाइड किया हुआ रहता है जब फंड को डिजाइन किया था, उस बेंचमार्क का भी वो बीट नहीं कर पाते। बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों समझते हैं। आप सभी ने निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी 50 सेंसेक्स, राइट। क्या होता है निफ्टी दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक बेंचमार्क है कि मार्केट का एक मूड दिखाता है, मूड इंडिकेटर है जो बताता है कि निफ्टी इस पीरियड में इतना मूव किया है। सेम वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स, जो बताता है कि इस पीरियड में सेंसेक्स इतना मूव किया है। समझते हैं, मान लीजिए अगर पिछले एक साल में निफ्टी ने 100% का अपवर्ड मूव किया है, कि यार निफ्टी अगर 7,500 था मार्च 2020 में तो अभी यार निफ्टी अगर 15,000 से ऊपर है, दैट मींस वी कैन से कि निफ्टी में जो भी कंपनियां थी उन्होंने ही 100% का गेन ले लिया। अगर एज ए एक्टिव इन्वेस्टर मैं अगर 100% से नीचे रह पाऊँ तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ एक्टिव इन्वेस्टिंग करने का, इनफैक्ट मुझे खर्चे भी देने पड़े तो मेरे लिए तो नेट लॉस जाएगा मेरे लिए, राइट। यही दोस्तों ट्रबल है जो इंडस्ट्री फेस करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते। बेंचमार्क जो वाइडर लेवल के मार्केट के बेंचमार्क हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी TRI हो गई, ये बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते। और इसमें मैं खर्चों को कहीं ऐड नहीं कर रहा हूं। दोस्तों इसी ट्रबल के चलते हुए धीरे धीरे पिछले कुछ समय से लोग पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग दोस्तों क्या होता है, जहां पर आप एक्टिवली कोई डिसीजन नहीं ले रहे कौन से स्टॉक खरीदनी है, कौन से स्टॉक खरीदनी नहीं है, कौन से स्टॉक कब बेचनी है, कब खरीदनी है, किस क्वांटिटी में खरीदनी है, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में, ये सब डिसीजन आप एक्टिवली नहीं रहते और इसे कहा जाता है पैसिव इन्वेस्टिंग। सर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कैसे इन्वेस्टिंग कि हमें कुछ करना ना पड़े, इन्वेस्टिंग होता रहे। दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, आप एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे ये बताया मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, दैट निफ्टी में टोटल 50 कंपनियाँ हैं। तो हमें क्या करना है पैसिव इन्वेस्टिंग में कि जो भी 50 कंपनियां निफ्टी में हैं हमें उन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। और किस प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करना है, उसी प्रोपोर्शनेट में जिस प्रोपोर्शनेट में वो निफ्टी में परफॉर्म होती हैं, राइट। जैसे समझते हैं
कि रिलायंस का ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, तो हमें भी हमारे पोर्टफोलियो में रिलायंस का उतना ही वेटेज रखना पड़ेगा जितना कि निफ्टी में वेटेज है, राइट। ऐसे टोटल 50 कंपनियां निफ्टी की, टोटल 50 कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में हो जाएगी, और सेम वेटेज में जिस वेटेज में निफ्टी में है उसी वेटेज में हमारे पोर्टफोलियो में भी कंपनी हो जाएंगी। कल को अगर कोई एडिशन या सब्सट्रक्शन होता है निफ्टी की कंपनियों में, तो सेम हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा हमारे पोर्टफोलियो में, वही कंपनियां हमें हटानी पड़ेंगी निफ्टी के, जो कंपनियां निफ्टी से हट गई हैं वो कंपनी हमें हमारे पोर्टफोलियो से हटानी पड़ेंगी, और जो भी नए एडिशन आए हैं निफ्टी में सेम एडिशन हमें हमारे पोर्टफोलियो में भी करने पड़ेंगे। दोस्तों दिस स्ट्रेटजी सीम्स वेरी इजी बट ट्राई मी कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इंप्लीमेंट करना। अब आप कहेंगे सर हम कैसे ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे डेली बेसिस पे कि निफ्टी की कंपनियों का क्या मूव चल रहा है, निफ्टी में क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रपोर्शन पे वो मूव हो रही है। दोस्तों रेस्ट अश्योर्ड इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, आपको ये सब चीज़ें मैनुअल नहीं करनी। मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड, जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करते हैं और उस इंडेक्स में ही आपको इन्वेस्ट करते रहना है, तो आपका पूरा पैसा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्ट होता चले जाएगा। क्या होता है जब भी हम एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम इंडिविजुअल इन्वेस्ट करें चाहे थ्रू म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करें, तो एक्टिवली इन्वेस्टिंग में दोस्तों क्या होता है खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इस और मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं, मार्केट को अंडर परफॉर्म किया खर्चे भी ज़्यादा हो गए मेरा रिटर्न बहुत कम आया। इससे बेटर अगर मैं पैसिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करूँ या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट करूँ, मेरे खर्चे बहुत कम होते हैं, बहुत 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 मिनिमम खर्चे होते हैं। समझिए आप खुद खर्चे कम क्यों होंगे, जब बंदा काम ही नहीं कर रहा, कोई ब्रोकरेज फीस नहीं जाता फ्रिक्वेंटली, कोई एसटी नहीं जाता, किसी तरह का आरएनडी में कोई खर्चा नहीं, तो कितने सारे खर्चे बचाते हैं, और ये खर्चे अल्टीमेट अपने रिटर्न में एड ऑन करते हैं। और दोस्तों यही रीज़न है कि बहुत सारे फंड मैनेजर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं पिछले समय से। दोस्तों ये बात करी मैंने कि एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग आखिर होता क्या है, लेकिन समझते हैं दोनों को आगे बढ़ने से पहले कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों अल्टीमेट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हैं तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम को व्हाट्सअप वगैरह आप वहाँ मुझे बात कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा इस बारे में। समझिए दोस्तों जस्ट बिकॉज कि एक्टिव इन्वेस्टिंग ने कुछ समय के लिए मार्केट को अंडर परफॉर्म किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग खराब हो गया, पैसिव इन्वेस्टिंग इंडेक्स इन्वेस्टिंग अच्छा है। आपको दोनों के मायने समझने होंगे, आपको समझना होगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपने किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, देन ओनली यू विल टेक राइट डिसीजन। क्या है एक्टिव इन्वेस्टिंग में खर्चे ज़्यादा है राइट, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में एक्सपेंस रेशियो कम है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसिव इन्वेस्टिंग में ही इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मार्केट में ऐसे फेज़ आते हैं, ऐसे बहुत पीरियड आते रहते हैं जहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म करती ही करती है, बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ आप नॉट एवरी टाइम कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ समय के लिए मार्केट को अंडर परफॉर्म भी करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप डिसीजन लेंगे जिस टाइम पे टेम्प्रेरी वो पर्टिकुलर स्कीम, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, वो पर्टिकुलर AMC अगर मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है, देन यू विल नॉट बी टेकिंग अ राइट डिसीजन। सो ओवरऑल डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन व्हाट फॉर व्हाट पर्पज यू हैव इन्वेस्टेड। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये दोनों डिस्कस करने के बाद मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं अपना खुद का स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा कि मैं खुद कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों आई इन्वेस्ट इन एक्टिव इन्वेस्टिंग एज वेल एज पैसिव इन्वेस्टिंग। मैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 40-50% इन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, एंड बाकी रिमेनिंग 50% पोर्टफोलियो में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। डायरेक्ट जब स्टॉक्स की बात आती है तो वहाँ भी मैं अपना कोर पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, सीट पोर्टफोलियो, जिस भी नाम से आप जानना चाहें। और जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, म्यूचुअल फंड में मैं 50% एक्टिव इन्वेस्टिंग करता हूँ, 50% में पैसिव इन्वेस्टिंग करता हूँ, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता हूँ। अगर आपको इन सभी का कंपोजिशन और जानना है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ रेगुलरली मैं अपडेट करता रहता हूँ कि मैंने कौन सा स्टॉक खरीदा है, कौन सा स्टॉक मैंने अभी मोमेंटम पोजीशन लिया है एंड व्हाट नॉट। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो की मदद से मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँगा कि एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है और मैं खुद कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। इन केस अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आपका, आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के जर्नी के बारे में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।